are in a majority, the minority has to be protected. We do not stand for the forces of darkness. These extreme attitude, they are not just unwelcomed, they would be discouraged. रियासत अकलियतों को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ नहीं, जड़ावाला वाकये पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। वजीर आजम का दो टोक पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में अनवार काकर ने कहा, मुआशरे में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं, कदामत पसंद रुझानात की हौसला शिकनी की जाएगी, सानहे नौ मई के जिम्मेदारों को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जड़ावाला में जलाओ घेराव के दौरान 86 इमारतों को नुकसान, ईसा नगरी में 40 और चमड़ा मंडी में 19 घर जला दिए गए, सानहे की तफसील सामने आ गई। रिपोर्ट तहकीकाती कमेटी के हवाले। शरपसंदों के गिर्द घेरा तंग, सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तारियां जारी, मजीद कई मुलजिम पकड़े गए। मजमू तौर पर 5 मुकदमात दर्ज, पुलिस और रेंजर्स बदस्तूर तैनात। सुप्रीम कोर्ट से इसको नोटिस की सदा, अकलियती रहनुमा ने दरख्वास्त दायर कर दी। हमारी पूरी कोशिश है कि संडे को हम आपके साथ वहाँ पे दुआया तकरीब होगी, वो हम लोग अटेंड करें और आपका जो चर्च है वो रिस्टोर हो। जड़ावाला वाकयात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, अकलियतों का तहफ़ यकीनी बनाएंगे, पीर या मंगल तक जलाओ घेराव से मुतासर तमाम गिरजाघर भी बहाल कराएंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दुआया तकरीब में शिरकत का ऐलान। निगरान वजीर इंसानी हकूक खलील जॉर्ज मुतासरीन से मिलने पहुंच गए, फसादियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का वादा। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना अब्दुल खबीर आजाद और दीगर उलमा की जानिब से भी वाकई की मजम्मत। आईजी पंजाब फिर जड़ावाला पहुंच गए, अकलियती खानदानों के लिए कायम हिफाजती कैंप का दौरा, जरूरी अशिया और तहाइफ तकसीम। डॉक्टर उस्मान अनवर ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा भी लिया। उलमा कराम के हमरा मुतासरा गिरजाघर की बहाली के काम का आगाज। नायब तरामीम केस में भी सुप्रीम कोर्ट तकसीम, पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक मुकदमे का फैसला किया जाए या फुल कोर्ट बनाए, जस्टिस मंजूर अली शाह की तजवीज। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल अपने रिटायरमेंट से पहले मुकदमा निपटाने के ख्वाहिशमंद, रिमार्क्स दिए। गुज़िश्ता बरस से ज़ेरे अल्तवा मामला छोड़कर जाना शर्मिंदगी की बात होगी, 28 अगस्त से रोजाना समाअत करके फैसला सुनाएंगे। इंतखाबात 90 रोज में करवाने हैं या फरवरी में, फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ मदद करना है, निगरान वजीर इत्तला'आत की मीडिया टॉक। मुर्तजा सोलंगी ने कहा, इस्लाम के नाम पर किसी भी मजहब की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है। अली मर्दान डोमकी ने निगरान वजीर आला बलोचिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया, मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का काम है, भरपूर मुआवनत करेंगे, काबीना का फैसला 1 या 2 रोज में हो जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निगरान सूबाई काबीना की तश्कील की समरी मंजूर कर ली, 9 उजरा 2 मुशीर और 1 मुआवने खुसूसी शामिल, हलफ बर्दारी आज होगी। इलेक्शन कराना ईसीपी की जिम्मेदारी है, किसी गैर कानूनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। निगरान वजीर आला सिंध का उबूरी काबीना मुख्तसर रखने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में मकबूल बाखर ने कहा, आईन की हुक्मरानी होगी तो ही निजाम बेहतर चलेगा। जिना हाउस हमला केस में नामजद हसान नियाजी को तहकीकत और ट्रायल के लिए फौज के हवाले कर दिया गया, पुलिस ने लाहौर हाईकोर्ट को आगाह कर दिया, रिपोर्ट अदालत में पेश। भारत ने 2,80,000 की उससे करेला छोड़ दिया, दरिया सतलुज में सैलाब का 28 साल रिकॉर्ड टूट गया। गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव 2,70,000 क्यूसिक से भी ज्यादा, ताहद निगाह पानी ही पानी, हेड सुलेमान की तक हाई अलर्ट कर दिया गया। कसूर ओकाड़ा भावलनगर भावलपुर पाकपतन और बिहाड़ी में कच्चे के इलाकों को शदीद खतरा, बचाव के इंतजाम के लिए 12 घंटे से भी कम वक्त रह गया।
खैरपुर में पीर के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक बच्ची के इलाज गायब होने का खदशा, कब्र कुशाई आज मुतवक्के, मजिस्ट्रेट मुकर्रर, मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया। पीरनी के खौफ से बहन को पानी भी ना दे सके। फातिमा के साथ काम करने वाली सोनिया बाजियाब होकर घर पहुंच गई। शहर इख्तदार में एक और कमसिन मुलाजमा घरेलू तशद्दुद का शिकार, मालिका जुल्म करती थी, बच्चे भी मारते थे, गर्म पानी फेंका जाता, जिस्म भी जलाया गया। 13 साल दिलीप का वीडियो बयान, मुलजिमा जैतून उर्फ समरा जमानत पर है। अलावा की दुआएं रंग ले आई, कैम्ब्रिज का दोबारा इम्तिहानात लेने का फैसला, इनका अक्टूबर में होगा, कोई इजाफी फीस भी वसूल नहीं की जाएगी। केसेस की दोबारा तशखीस की दरखास्तें स्कूल जमा कराएंगे, 80% अखराजात भी खुद बर्दाश्त करेंगे। पाक फौज का शगर में ऑपरेशन, 17,000 फीट की बुलंदी पर फंसे 5 गैर मुल्की को पैमाओं को बचा लिया गया, 4 बरतानवी, 1 पोलिश और 1 मुकामी गाइड शामिल। ईरान सऊदीया ताल्लुकात तारीख के नए मोड़ पर, ईरानी वजीर खारजा की जद्दा में वलीहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल, हुसैन अमीर अब्दुल हयान सऊदी हमनसब से भी मिले, तलखियां खत्म करके ताबून को फरोग देने पर इत्तेफाक। एशिया कप के बड़े टाकरे का बेसब्री से इंतजार, पाक भारत मैच के तमाम VIP टिकट चंद घंटे में ही फरोख्त, रिवायती हरीफ 2 सितंबर को आमने सामने होंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम के हेमर टूटा में डेरे, खिलाड़ियों की जिम में वर्जिश, आज से प्रैक्टिस का आगाज, पहला मैच 22 अगस्त को शेड्यूल। फ्रांस के गेल मोनिफर को शिकस्त, नोवाक जोकोविच सिनसिनाटी ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए आलमी नंबर 1, स्पेन के कार्लोस अल्काराज की भी टॉप 8 मरहले तक रसाई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं जवाद कमाल, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम सुबह का समा, देखते रहिए समा।